वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो फ्रेंड्स। आज आपको सिखाते हैं जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट स्टोन है, तो उसमें हमें डोर एंड विंडो में हमें कैसे इसको मॉडलिंग करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका ग्रेनाइट है, ग्रीन ग्रेनाइट है। तो जो इसकी विड्थ है आपकी, विड्थ आपकी 170, क्लियर। इसकी जो विड्थ है 170 mm है, और लेंथ आपकी एज पर योर विंडो साइज, जैसे आपके साइड पे विंडो का साइज होता है, उसके बेस पे आपको रिक्वायरमेंट होता है। ये 740 mm इसका इनर फेस है। इसके बेस पे जो आपका ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, जो इसमें हमारे लगाएंगे एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम। इसका रेट क्या रहता है, इसकी थिकनेस क्या रहती है, जो इसकी थिकनेस है आपके ग्रेनाइट की वो 20 mm है, 20 mm। यहाँ से आप देख सकते हैं 20 mm, ठीक है। तो ये आपकी 20 mm है, 18 to 20 mm इसकी थिकनेस रहती है। और जो आपके साइड में देख रहे हैं, जो आपके साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना mm का टांका बना हुआ है, टच बना हुआ है, ये आपका 10 mm का टच बना रहता है, 5 से 10 mm का, ठीक है। और जो आपको देख रहे हैं साइड में, ये आपका क्या है, मॉडलिंग होती है। ये आपकी थोड़ा अभी रफली मॉडलिंग है, जब इसमें प्लास्टर हो जाता है साइड में हो जाता है तो पॉलिश हो जाती है। ये आपकी पॉलिश है, ठीक है, या पॉलिश बोल देते हैं इसको, मॉडलिंग बोल देते हैं, आपकी पॉलिश है। तो थोड़ा ये तो आपको जस्ट ओनली एजिंग शेप में बनी हुई है, एजिंग शेप में। तो ये मॉडलिंग जो होती है थोड़ा राउंड शेप में बन जाएगी, जैसे आप मॉडलिंग रिक्वायरमेंट चाहते हैं साइड पे, जैसे किस तरह कराना चाहते हैं, तो इस पर वैसे बन जाती है। ये आपकी थोड़ी मॉडलिंग बन जाती है, राउंड शेप में बन जाती है, एजिंग शेप में बन जाती है। तो ये साइड में आपको क्या हुआ, मार्जिन मिला हुआ। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जितना आपका प्लास्टर की थिकनेस रहती है, इसके बराबर आपका प्लास्टर आ जाता है, ठीक है। प्लास्टर रहता है, पेंट होता है, तो वही इसके बेस पर रहता है। इसका रेट क्या रहता है, किस तरह से इसको बनता है, वो आपको कॉस्टली बता देंगे साइड पे। तो इसका कॉस्ट जो मोस्टली रहता है, वो एज पर योर रिक्वायरमेंट, क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, कॉस्ट क्या पड़ता है। इसको जो रो, इसका जो विड्थ है, मिनिमम कम है 1 फीट, अगर 1 फीट की रहती है तो 1 फीट तक आपकी रनिंग फिट में इसका एरिया निकलता है। अगर 1 फीट से ज़्यादा होती है तो वो आपका कवर्ड एरिया में आ जाता है, तो आपकी रनिंग फिट में, जो इसकी मेजरमेंट होगी वो आपकी रनिंग फिट में होगी, कितना आपका फिटिंग रनिंग फिट है, और कितना। और जो ये नोजिंग बनते हैं, ये नोजिंग भी आपका अलग से इसका एस्टिमेट बनता है, कि ये नोजिंग आपने कितने रनिंग फिट में बनवाई, ये भी रनिंग फिट में बनेगा, आपका बिल बनेगा, और ये आपका बिल जो बनता है ये भी रनिंग फिट में बनेगा, ठीक है। मॉडलिंग कितने रनिंग फिट में आपने चलवाई है। सपोज कीजिए आपका इसकी जो लेंथ है, सॉरी आपको दिखा देता हूँ आपको, सपोज कीजिए आपकी जो इसकी लेंथ है 2 फीट 5 इंच है, क्लियर। आपकी ये मेजर जो होगा बाहर से होगा 2 फुट 6 इंची, 2.5 फीट है। तो रनिंग फिट क्या है इसका, सपोज कीजिए 20 फीट है, 20 रुपये पर फीट या 30 रुपये पर फीट उसके बेस पे, तो 20 इंटू, तो आपका ही मिनिमम 50 रुपये इसका पर पीस पड़ा। तो आपके उसके बाद देखते हैं मॉडलिंग, तो ये मॉडलिंग पर फिट, ये भी पर फिट के हिसाब से बनेंगे, रनिंग फिट पे RPF रनिंग पर फिट, क्लियर। ये भी रनिंग फिट पर बनती है। तो इस तरह से आपका ग्रेनाइट है, ये आपका डोर फ्रेम में आता है, और कई बेस पे होता है आपका, साइड में भी आता है, ये साइड में भी आपकी पट्टी बन जाती है, 1 इंची से 2 इंची तक आपकी पट्टी बनती है। तो बट यहाँ पे कंडीशन में आपका क्या है, कोई पट्टी नहीं बनी हुई है। तो सिंपल आपका ये साइड में फेस, आपको ये फेस आपको दिखाई देगा, ये फेस आपको ग्रेनाइट का फेस दिखाई देगा। तो मैं आपको प्लास्टर में दिखाता हूँ, प्लास्टर में किस तरह से दिखाई देता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टर हो चुका है, ये आपका प्लास्टर हो चुका है, प्लास्टर के बाद POP, तो इस तरह से बराबर आ चुका है इसके, ठीक है। नोजिंग बन गई अच्छे से, इसमें थोड़ा हल्का सटक बन गया इसमें आमली से, तो बिल्कुल लाइट वेट। तो इस तरह से आपका ये मॉडलिंग होने के बाद अच्छे से प्रॉपरली हो जाता है। यहाँ पे डोर में तो नहीं आता है, जहाँ भी विंडो रहती है, जो भी साइज रिक्वायरमेंट होता है, उसके बेस पर आपका बेस बनता चला जाता है, ठीक है। ये जो होता है पहले से पारिश हुई हो रहती है, बस आपको ये क्या करना है, मॉडलिंग बनानी होती है इसमें, जो भी रेट होता है मॉडलिंग का होता है। उसके बाद जैसे किचन देख रहे हैं आपको, किचन में जो टाइल लग रही है वाइट टाइल, तो टाइल में ही आपको ये आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये फेस बन जाता है आपको, बिल्कुल प्रॉपरली नोजिंग बन जाती है। तो कुछ ही बेसिक पॉइंट्स है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।